वेलकम बैक है ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम लोग वन ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो अप कर रहे हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% टू 15% अ मंथ। लास्ट 5 महीने से ये ग्रोथ जारी है एंड एवरी सिंगल मंथ वी हैव बीन ग्रॉसिंग बिटवीन 10% टू 15% अ मंथ। मेरा टारगेट है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को 1 CR से 35 CR तक ग्रो करना इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जो हमारा टाटा स्टील का रिजल्ट्स थे, हमने उसके बेसिस पे एक ट्रेड बनाया था विच इज रनिंग इन वेरी गुड प्रॉफिट राइट नाउ। अब उस समय मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ और पैसिव ट्रेड्स हम लोग लेके आएंगे, सो दिस इज द फर्स्ट पैसिव ट्रेड जो इस सीरीज में आ रहा है। दिस इज लाइक अ स्विंग सीरीज। एक होगी हमारी रिजल्ट सीरीज जिसमें जो जाइंट काउंटर्स हैं रिजल्ट्स वाले वो काउंटर्स आएंगे, एक होगी हमारी स्विंग सीरीज जिसके अंदर में पैसिव ट्रेड्स जो हम उस पर्टिकुलर महीने लेंगे और उसी महीने उसमें से रिटर्न्स ग्रैस्पिंग करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट कि उनके रिजल्ट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, दैट इज बीन बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये ट्रेड फर्स्ट ट्रेड है सीरीज का विच इज इन माइंड ट्री और इसमें व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3.19 लाख इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। ऑन एवरेज इसमें जो पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज अराउंड 25 लाख टू एनीवेयर बिटवीन 40 लाख एंड ऑल। ओके, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एन ROI ऑफ अराउंड 8.4% इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका हम एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे एक रिजल्ट फॉर्म करेंगे विच यू कैन टेक इट आउट डायरेक्टली फ्रॉम मी। ठीक है, सो लेट्स एनालाइज द स्ट्रक्चर। इस एनालिसिस के अंदर में लास्ट 20 सेशंस को लिया गया है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम जनरली इसका जब हम पहला जो सेगमेंट हम इसमें चेकअप कर रहे हैं दैट इज की फ्यूचर के अंदर में कैसा बिल्डअप है। इसमें मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था इसके अंदर हम सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स को लेके चलेंगे और लॉन्ग बिल्डअप्स वही वाले लेके चलेंगे जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, उन्हीं का OI हम लोग इसके अंदर में एड ऑन करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का जब हम इस OI ऐड करते हैं जिसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है एंड आपका जो शॉर्ट बिल्डअप में भी हम वॉल्यूम चेंज देखेंगे जिसमें पॉजिटिव है, तो लॉन्ग बिल्डअप में अराउंड 31774 लॉट्स बिल्डअप हुए हैं लास्ट 20 सेशंस के अंदर में। शॉर्ट बिल्डअप में अराउंड 0 लॉट्स बिल्डअप हुए हैं जो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे शॉर्ट बिल्डअप इन दोनों जगह पे था बट वॉल्यूम चेंज हमारा नेगेटिव था तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन टोटल जो वॉल्यूम्स एड ऑन हुई हैं फ्यूचर्स के अंदर में दैट इज अराउंड 31774, सो दिस इज स्लाइटली बुलिश इन द फ्यूचर सेगमेंट। ठीक है, दिस इज एन एरिया जहां पे आपका कंप्लीट पी माइनस सी का चेंज डिनोट हुआ है। ठीक है, और इसका जब हम एनालाइज करते हैं तो समरी वन को हम गो थ्रू करते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि OI सपोर्ट जो है वो हमारी 4500 के लेवल पे है एज पर द ऑप्शन चेन ग्राफ। ठीक है, PCR इसका अराउंड 3.63 है उस लेवल पे और स्लाइटली सपोर्टिव OI चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ATM से दैट इज अराउंड -9.09%, तो ये थोड़ा दूर है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज इसका जो लेवल है फ्रॉम ATM लेवल्स जो अभी करंट स्पॉट लेवल चल रहे हैं दैट इज अराउंड 9.09%। जितना पास होता है ना जो बेस्ट स्ट्राइक्स होती हैं, जितना पास होती हैं आपके स्पॉट की उतना स्ट्रांग इंडिकेशन होता है, क्योंकि दूर वाली बिट्स में अगर आपकी हाई OIs बना हुआ है तो दैट इज नॉट मच स्ट्रांग एज एन इंडिकेटिव। ठीक है, बेस्ट OI रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम देखते हैं तो दैट इज एट अराउंड 5000, उसका PCR 0.07 है और स्लाइटली अनसपोर्टिव OI चेंज है। अनसपोर्टिव इन द सेंस कि इसके अंदर में जो आपकी कॉल एडिशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द पुट एडिशन जो है वो आपकी थोड़ी इसमें ज्यादा हुई है इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, इसका ATM लेवल इज अराउंड 1.01% विच इज वेरी वेरी नियर टू द स्पॉट लेवल, तो ये लेवल्स हम लेके चलेंगे क्योंकि ये काफी पास भी है और इस पे काफी ज्यादा स्ट्रांग बिल्डअप्स है। ठीक है, ओवरऑल OI चेंज जो हुआ है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -580600 लॉट्स। ठीक है, वो ऑब्वियसली इट लुक्स बियरिश राइट, बट इस दौरान के अंदर जो फ्यूचर लॉट्स का बिल्डअप हुआ है दैट इज अराउंड 31774। ठीक है, जो लास्ट बिल्डअप है आपका जो लास्ट चेंज है पी माइनस ई का लास्ट 5 सेशंस के अंदर में दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 17,000 -170,000। ठीक है, -1.7 लाख का इसके अंदर में चेंज हुआ है लास्ट 5 सेशंस के अंदर में। ठीक है,
और अभी रिसेंटली जो इस पे हम स्पॉट कर पा रहे हैं कि PCR का हल्का सा डिक्रीमेंट हुआ है विद द इंक्रीमेंट इन प्राइस, दैट बिकम्स अ बियरिश, दैट शोज अ बियरिश अपकमिंग मूव कैन कम इन दिस काउंटर. तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 5000. ये देखो, ये बेसिक एनालिसिस है, इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है. लास्ट में इस कंप्लीट एनालिसिस से क्या ट्रेड फॉर्म हो रहा है, दैट यू कैन टेक डायरेक्टली फ्रॉम मी, ठीक है. बट अभी हमें ये भी जानना जरूरी है कि एनालिसिस किस तरीके से होता है, ठीक है. तो इस हमने OI चेन का हमने इसमें एनालिसिस किया, ठीक है, जिसके अंदर में वी आर कमिंग टू नो कि 5000 पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, 4500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, एंड जो आपकी बिल्डअप्स हैं OI के, दैट वी हैव सीन. अब हम देखते हैं कि OI चेंज कैसे हुआ है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में, ठीक है. तो लास्ट 20 सेशंस के अंदर में जो OI चेंज हुआ है, ये जो है लास्ट 15 टू 20 सेशंस के बीच का जो OI चेंज था, ये 10 टू 15 सेशंस का जो OI चेंज था, ये 5 टू 10 सेशंस का, और ये लास्ट 5 सेशंस का. जितना हम नज़दीक आते हैं उतना ये चेंज जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट हमें इन ग्राफ से एक डिपिक्शन मिल रही है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में, क्या पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ है, ठीक है. ये जो आपका ग्राफ है, दिस डिनोट्स कंप्लीट चेंज इन द लास्ट 20 सेशंस, जो भी OI के अंदर में चेंज हुआ है, ठीक है. और इसकी इंडिकेशंस को अगर हम देखते हैं तो लास्ट 5 सेशन के अंदर में एक बेरिश रिजल्ट है, ठीक है, राइट, जिसमें पुट OI चेंज हुआ है हमारा 200000 का, एंड कॉल OI चेंज हुआ है हमारा अराउंड 5 लाख का. टोटल जो पुट और कॉल OI चेंज है, दैट हैज बीन नेगेटिव ऑफ अप्रॉक्सीमेटली लाइक नेगेटिव 3 लाख, ठीक है. इस दौरान के अंदर प्राइस चेंज हुआ था वो 109.95 को हुआ था, रिजल्ट इज बियरिश, ठीक है. तो लास्ट 5 सेशन दे आर बियरिश, ओके, एज पर द OI चेंजेस इज डिनोटिंग. ऑब्वियसली लास्ट 5 सेशन के अंदर में एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है फ्यूचर्स के अंदर में, दैट डिनोट्स अ बुलिश मूव, बट एज पर दिस सेगमेंट इट्स अ बियरिश मूव, ठीक है. और लास्ट 5 से 10 सेशन के अंदर में इट हैज बीन एक्सट्रीमली बुलिश, 10 to 15 सेशन इज बियरिश, 15 to 20 सेशन इज एक्सट्रीमली बुलिश, और करेंटली अगर हम लास्ट 20 सेशंस को देखते हैं तो द होल सिनेरियो इज करेंटली स्टैंडिंग एट बियरिश, जिसके अंदर में प्राइस चेंज इज अराउंड 246, ओके, बट आपका जो बिल्डअप हुआ है दैट हैज बीन स्ट्रांगली, क्योंकि पी माइनस ई हैज बीन बिल्डअप लाइक -8 lakh हैज बीन बिल्डअप ड्यूरिंग दिस 20 सेशंस, ठीक है. इसका अगर हम एक रिव्यू लेते हैं, दिस इज लाइक अबाउट द बिल्डअप्स. ग्रीन शोज यू द लॉन्ग बिल्डअप, रेड शोज यू द शॉर्ट बिल्डअप, यही दो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. बाकी येलो एंड ब्लू इज लाइक लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है. तो इसमें आपका जो मेन फोकस रहता है हमारा देखने का, वो डार्क ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है, और रेड कलर फॉर्मेशन, ठीक है. और क्या इनके अंदर में चेंज हो रहा है, क्या बिल्डअप्स कम हो रहे हैं, बिल्डअप ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है. अगर लॉन्ग बिल्डअप्स हैं तो वो क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर आपके शॉर्ट बिल्डअप्स हैं तो क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अभी हम ये लास्ट सेशंस में देख रहे हैं कि आपका लॉन्ग बिल्डअप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एंड प्राइस इज मूविंग अप, दैट्स अ बियरिश इंडिकेशन, ऑल्दो द प्राइस इज मूविंग अप, बट ये टर्न ले सकता है बहुत जल्दी, ठीक है. सो लुकिंग इनटू दिस समरी, लाइक प्राइस मूव को देखने से लगता है कि एक बुल रन है, बट वो डिमिनिश हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज जल्दी आने वाला है इसके अंदर में. OI परसेंटाइल जो करेंटली स्टैंड कर रही है, दैट इज एट 61.67 लेवल्स, ठीक है, एंड प्राइस परसेंटाइल इज स्टैंडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 99.44 लेवल्स, ठीक है. एक बुलिश मूव इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड है, ठीक है. लुकिंग इन टू पी माइनस ई OI चेंज फॉर द लास्ट 20 सेशंस, एंड जो उसके 4 सेगमेंट्स हैं उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद एक बियरिश मूव आ सकती है. तो दोनों कॉन्टेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, बट हर किसी चीज़ की एक वेटेज होती है, ठीक है. बिल्डअप्स की एक वेटेज है, OI परसेंटाइल की एक वेटेज है, सारी वेटेज कंबाइन करके विल गेट द फाइनल रिजल्ट्स, उस पर हम एक ट्रेड फॉर्म करेंगे, ठीक है. और ऑब्वियसली वो जो ट्रेड फॉर्म होने वाला है, माइंड ट्री के अंदर में जो प्रीवियस एक्यूरेसीज रही हैं, दैट इज बीन मोर देन 92%, और मेरे ट्रेड्स का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है, दैट इज अराउंड 1:6, ठीक है. 1:6 तो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली इस कॉम्बिनेशन के साथ द ट्रेड विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग. अब इसके अंदर में जो नेक्स्ट है, दैट इज कि मैक्स पेन आपका, वी आर इजिली एबल टू सी कि जो प्राइस है वो मैक्स पेन के ऊपर चल रहा है. दिस इज द मैक्स पेन ट्रेंड, ऑरेंज लाइन, ठीक है. इट हैज राइज्ड इन द लास्ट फ्यू डेज, प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग, राइट. सो दैट्स अ बुलिश इंडिकेशन, ठीक है. ये तो बेसिकली इंट्रा मूव का है, बट अगर इसको आप लॉन्गर टर्म में भी ट्रेंड को चेकअप करोगे तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू बुलिश,
ठीक है, when we talk about the max pain structurings, ठीक है, स्पॉट जो है अभी मैक्स पेन लेवल से थोड़ा दूर है, तो दैट इंडिकेट्स कि हमें जो बेस्ट बाइंग जोन होती है मैक्स पेन लेवल के नीचे होती है, अभी ये करेंटली सेल जोन के अंदर में है, ठीक है। अगर हम ओजी गेंस को देखते हैं तो ये इनके लास्ट 4 सेशंस के ग्राफ हैं, ठीक है, और ये आपका करेंट का जो अपना 20 सेशंस का ग्राफ है, इसको हम थोड़ा रीड करते हैं, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। तो लास्ट 5 सेशंस के अंदर में जो स्पॉट था, ठीक है, स्पॉट का जो रीसेंट था प्राइस, दैट इज अराउंड 4931, जो स्पॉट का चेंज हुआ है लास्ट 5 सेशंस के अंदर में, दैट इज अराउंड 101.75। इस दौरान के अंदर में जो ओजी का ऑप्शन गेन का चेंज हुआ है, दैट इज 0, बट जो मैक्स पेन का चेंज हुआ है, दैट इज प्लस 100, ठीक है, बिकॉज मैक्स पेन हैज चेंज प्लस 100, स्पॉट हैज चेंज प्लस 100, रिजल्ट इज बुलिश, ठीक है, राइट, मतलब इसके अंदर में बिल्डअप्स जो हुई हैं दैट इंडिकेट्स अ बुलिश मूव इन कमिंग टाइम, ठीक है। 5 से 10 सेशंस जो थे हमारे, उसके अंदर भी बुलिश मूव है, ठीक है, और 10 से 15 सेशन में भी बुलिश बिल्डअप्स हैं, ठीक है, और 15 से 20 सेशन के अंदर में एक बेरिश बिल्डअप था, ठीक है। ओवरऑल जो पूरे सिनेरियो को हम देखते हैं, ठीक है, इन विच द प्राइस हैज चेंज टू अप्रॉक्सीमेटली 397 पॉइंट्स, ओजी हैज चेंज टू -100 एंड मैक्स पेन हैज चेंज टू बीन न्यूट्रल, तो ये जो लुक आ रही है पूरी इस चीज की, इवन 400 पॉइंट्स का अपमूव आया है माइंट्री के अंदर में, बट ओजी ने एक नेगेटिव शिफ्ट दिया है, ठीक है, इट हैज चेंज बाय -100 पॉइंट्स। तो यहाँ से हमें लगता है कि इट इज अ बियरिश बिल्डअप इस पूरे सेगमेंट के अंदर में, ठीक है। देखो, ओआई चेन ने भी हमें यही इंडिकेट किया कि इट्स अ बियरिश बिल्डअप, और ओजी ने भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ बियरिश बिल्डअप, ठीक है, जिसके अंदर में सेल रेंज हमारी 47 से 4900 के बीच में है, ठीक है। अभी प्राइस 4931 पे चल रहा है, तो अभी अपनी सेल रेंज से बाहर चल रहा है, ठीक है। आप जैसे इस रेंज के अंदर में आता है, वी कैन शॉर्ट द पोजिशन इन माइंड्री, ठीक है, और बाय रेंज है इसकी आपकी 4575 से 4700 के बीच में, ठीक है। ओजी लेवल इज एट अराउंड 4700, ठीक है। लुकिंग इनटू वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स एज वेल एज पीसीआर फॉर्मेशंस एज वेल एज द परसेंटेज बेसिस फॉर्मेशंस, ठीक है, इनका जो हमने एक कंप्लीट एनालिसिस किया है, और ये आईवीज जो इनकी है, इनका जो हमने एनालिसिस किया है, इस पे व्हाट वी कैन से इज कि करंट आईवीज जो हैं, इट इज करंट आईवीज इसमें कौन सी हैं, ये ग्रीन कलर वाली जो आईवीज हैं वो करंट आईवी हैं, आपका जो ब्लू कलर है वो आपका आईवीआर है, जो रेड कलर है आपका वो आपका आईवीपी है, और जो ब्लैक कलर है दैट इज द प्राइस, ठीक है। तो इसमें जो हम एक सेल रेंज देख रहे हैं आईवी की, दैट इज बिटवीन 60 to 80, ठीक है, करंट आईवी स्टैंडिंग एट अराउंड 46.25, ठीक है। आईवीपी रेंज जो करेंटली 74.11 है, जो इस रेंज के अंदर में आ रहा है, 60 to 80 की रेंज के अंदर में आ रहा है, ठीक है। इसका जो एनुअल रेंज है, दैट इज बीन 22.32 to 79.34, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट आईवीज अभी तक गए हैं, दैट इज बीन अराउंड 79.34, और जो लोएस्ट आईवीज रहे हैं, दैट इज बीन अराउंड 22.34, ठीक है। करेंटली आईवी जो स्टैंड कर रहा है 46.25 पे स्टैंड कर रहा है, राइट। इसकी हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी लास्ट 30 डेज की 55.79 है। बेस्ट रेंज आईवी भी सेलिंग का 65 to 80 होता है, और करेंटली वो स्टैंड कर रहा है अराउंड 74.11 पे, तो इट इज गुड फॉर सेलिंग। ओके, पहले जो रेजिस्टेंस था एज पर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, वो 4700 का लेवल था, विच इज नाउ बीन चेंज इनटू द सपोर्ट। ये लेवल आपका जो आपका 4700 का एक लेवल था प्रीवियसली, विच वॉज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, नाउ इट हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट, तो ये आपका सपोर्ट लेवल का वर्कअप करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्स वॉल्यूम बिल्डअप्स थे इस दौरान के अंदर में, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जो आपके ट्रेड के बिल्डअप हुए हैं इसी दौरान के अंदर में हुए हैं, ठीक है, एंड बिकॉज द प्राइस इज मूव्ड अप फ्रॉम देयर, सो इट्स अ बुलिश बिल्डअप ओवर देयर, ठीक है, राइट। अगर हम इसमें प्राइस गो थ्रू करते हैं, तो ये डेली चार्ट शोज ऑब्वियसली कि आपका एक इसके अंदर में जो ट्रेंड है, दैट इज बुलिश, ठीक है, बट इसमें अभी डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रही है। रेंज अगर हम देखते हैं, तो ये रेड लाइंस जो आपकी इंडिकेट कर रही है, रेड जोन, दैट इज अ सेलिंग रेंज, जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है, या आपकी ग्रीन लाइन, ग्रीन रेंज जो इंडिकेट कर रही है, दैट इज द बाइंग रेंज, ठीक है। इसमें बाइंग सपोर्ट ये ग्रीन डॉटेड लाइंस हैं, और रेड सपोर्ट ये आपकी सेल डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, राइट, विच इज द ओजी आर वन, दिस इज ओजी एस वन, एंड दिस इज द ओजी रेंज, ठीक है। मैक्स पेन इज स्टैंडिंग एट अराउंड 4700, ये डैश लाइन इज द मैक्स पेन, ठीक है। तो बेस्ट होगा बाय करने के लिए ये ग्रीन रेंज, और अभी के लिए इट कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल, बिकॉज इट्स इन अ सेल रेंज राइट नाउ, तो यहाँ पे आपको बाइंग इस लेवल्स पे नहीं करनी, बाइंग आपको इसी लेवल्स पे करनी है, बिकॉज ट्रेंड इज अप, सो आपको ज्यादा फेवर करो इसमें बाइंग करने का, ठीक है। और अगर आप इसमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए आप सेल अप कर रहे हैं, देन वी विल बी हेजिंग इट अप विद अ बाय सेगमेंट्स ऑफ दीज रेंज, ठीक है, राइट। और
एज पर द बिल्डअप्स इट्स लुकिंग लिटिल बियरिश राइट नाउ, ठीक है, बट ऑब्वियसली ट्रेंड इज वेरी वेरी बुलिश. वीकली ट्रेंड भी काफी बुलिश है और आर्ली ट्रेंड भी बुलिश है, बट इवेंचुअली ये सेल रेंज के अंदर में लाई कर रहा है, तो वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को बिल्डअप करेंगे, ठीक है. प्राइस का कॉम्बिनेशन पीसीआर के साथ में और ओआई चेंज के साथ में एक बहुत अच्छा इंडिकेटिव होता है. तो यहाँ पे आपका प्राइस मूव कर रहा है, दिस इज द प्राइस मूवमेंट जो लास्ट 20 सेशंस की रही है, दिस इज द पीसीआर मूवमेंट फॉर द लास्ट 20 सेशंस एंड दिस इज द ओआई चेंज मूवमेंट इन द लास्ट 20 सेशंस. रिसेंटली अगर हम इसमें देखते हैं तो पीसीआर के अंदर में एक प्राइस हैज मूव्ड अप बट द पीसीआर हैज मूव्ड डाउन स्लाइटली और बीन कॉन्स्टेंट एट अ लेवल ऑफ 0.46-0.45. सो दिस इज अ बियरिश बिल्डअप, ठीक है, बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है. सिमिलरली आपका जो ओआई है दैट हैज ओआई चेंज हैज बीन डिमिनिशिंग फॉर द लास्ट फ्यू सेशंस. सिर्फ लास्ट सेशन के अंदर में वो इंक्रीज हुआ है, बाकी सारे सेशंस के अंदर में वो डिक्रीज कर रहा था. तो दैट ऑल्सो वॉज अ बियरिश बिल्डअप, बट लास्ट सेशन के अंदर में उसने एक बहुत अच्छा स्पाइक लिया है, ठीक है, राइट. तो दैट इंडिकेट्स कि हमें होल्ड करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से इसके अंदर में फ्यूचर बिल्डअप्स होते हैं, ठीक है. कंप्लीट समरी अगर हम गो थ्रू करते हैं इसकी, तो लाइक आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट आइडिया कि कैसे हम माइंड ट्री का ट्रेड फॉर्म करने वाले हैं. इवेंचुअली यू कैन कनेक्ट बैक फॉर गेटिंग द ट्रेड्स, बट इस ट्रेड की क्या पावर रहेगी पहले हम उस पर हम डिस्कस करते हैं. ये ट्रेड जो होगा इट कैन बी लाइव एनी टाइम आफ्टर 18th November 12 बजे के बाद कभी भी ये लाइव हो जाएगा, ठीक है. एंड जो हम अपने पुराने पैसिव ट्रेड्स देखते हैं माइंड ट्री के अंदर में उसमें जो एक्यूरेसी लेवल्स हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 92%, ठीक है. और ये जो ट्रेड्स होते हैं इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 का रहता है, ठीक है. इसमें मल्टीपल री एंट्रीज भी होंगी, तो इवेंचुअली आई विल गाइड यू अप कि कैसे इसमें ट्रेड अप करना है. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 3.19 लाख, ठीक है, विद एन आरओआई ऑफ अराउंड 8.4%. और आपका इसमें पोर्टफोलियो जो है 25 लाख से ऊपर होना चाहिए एंड आइडियली इट मस्ट बी अबव 1 crore. अगर 25 लाख से कम पोर्टफोलियो तो डोंट टेक अप दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स, ठीक है. उसके लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कमिंग फ्यूचर के अंदर में, जिसमें जो पोर्टफोलियो 25 लाख से कम है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू कैन टेक दोज ट्रेड्स. दैट विल बी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:50, ठीक है. मतलब रिस्क होगा 1 rupee का और रिवॉर्ड होगा 50 rupees का. मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा इन्वेस्टमेंट सीरीज कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, ठीक है. आने वाले सेशंस के अंदर में वो ट्रेड्स भी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा, ठीक है, राइट. सो अभी इसके अंदर में विद एडजस्टमेंट्स तो हम लोग 100% इस डील से प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है, राइट. विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स भी 92% प्रॉफिट बुक होगा इसके अंदर में. एवरेज ट्रेड होल्डिंग जो इस सीक्वेंस की रहेगी दैट विल बी ऑफ अराउंड 9 days. लुकिंग इन टू द HT मैट्रिक्स ऑफ माइंड ट्री हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट 20 सेशंस के अंदर में 31774 लॉट्स बिल्डअप हुए हैं, ठीक है, विच हैव बीन बॉट अप इन द लास्ट 20 सेशंस, ठीक है, जो कि एक ओआई बिल्डअप को, फ्यूचर ओआई बिल्डअप को बुलिश बनाता है, ठीक है. एंड इसी दौरान के अंदर में जो पीई माइनस सीई है दैट हैज बीन अराउंड 580-6000 लॉट्स, ठीक है, राइट. मतलब जो पुट और कॉल का चेंज बना है दैट हैज बीन बियरिश, ठीक है, इंडिकेटिंग अ ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि जोन बुलिश चल रही है बट ये बियरिश फॉर्मेशन हुई है तो दैट इंडिकेट्स अ ट्रेंड रिवर्सल्स, ठीक है. अब अगर ओआई चेन को देखते हैं तो 5000 पे एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ठीक है. उसका पीसीआर भी 0.07 है. एटीएम डिस्टेंस जो है आपका स्पॉट लेवल से दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.01%, विच इज वेरी वेरी गुड. कि इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस आपके बिल्कुल स्पॉट लेवल के पास में है तो दैट इज वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ अ बियरिश मूव कमिंग फ्रॉम दैट लेवल, ओके. और 4500 इज अ गुड सपोर्ट विद अ पीसीआर ऑफ 3.63, एटीएम डिस्टेंस ऑफ अराउंड 9.09%, ओके, विच इज लिटिल फार. तो ये क्लियरली इसमें दिखता है कि एक शिफ्ट हो सकती है फ्रॉम 5000, एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है टुवर्ड्स दोज लेवल्स, ठीक है. मैक्स पेन को एनालाइज करते हैं तो मैक्स पेन एंड ओजी इज करेंटली लाइक 4700 के लेवल्स पे हैं, ये जो लेवल्स हैं अभी, ठीक है. एंड जो ओजी सपोर्ट है 4450 पे है, बाइंग रेंज इज फ्रॉम 4575 to 4700, और ओजी रेजिस्टेंस जो है वो 5100 पे है, सेलिंग रेंज जो हमारी है 4700 से लेके 4900 की है, ठीक है. तो 5100 से नीचे की हम कॉल्स को सेल नहीं करेंगे, ठीक है. और किस रेंज में सेल अप करेंगे, 4700 से 4900 की रेंज के अंदर में उसको सेल ऑफ करेंगे, ठीक है. माइंड ट्री का आईवीपी रेंज 65 से 80 के बीच में अभी सेल रेंज होता है. करेंटली आईवीपी स्टैंडिंग एट अराउंड 74, तो दैट इज अ सेल रेंज, दैट इज इन द सेल रेंज, ठीक है. तो ऑप्शन सेलिंग के लिए फेवरेबल है एट प्रेजेंट, ठीक है.
और इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि इस पर्टिकुलर ट्रेड की जो हम लेने वाले हैं 92% हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी रही है, ठीक है, राइट। और इसका जो एक प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3.19 लाख प्रॉफिट, जिसका आरओआई रहेगा 8.4% का। एक्सपायरी से पहले इसको हम कवर अप कर लेंगे और आइडियली जो पोर्टफोलियो इसके लिए वर्केबल है दैट इज अराउंड 25 लाख टू 1 ईयर पोर्टफोलियो पे यू कैन टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये जो स्विंग ट्रेड का पहला ट्रेड है माइंडट्री का, ये ऑन एवरेज प्रॉफिट जनरेट करेगा 3.19 लाख का, ठीक है, इन कमिंग फ्यू सेशंस प्रायर टू द एक्सपायरी इटसेल्फ। और 18 नवंबर 12 बजे के बाद ये ट्रेड कभी भी लाइक आई विल टेक अप। यू कैन कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड। कनेक्ट करने से पहले जो वॉलंटियर एक्ट होता है, मतलब अपने रीजन के अंदर में, अपनी सिटी के अंदर में, अपने जहाँ जहाँ भी आपको लगता है जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो, डू दैट पर्टिकुलर वर्कआउट फर्स्ट बिफोर कनेक्टिंग विद मी, क्योंकि मेरे से कनेक्ट करना है अगर आपको तो ये पहले काम करना ही होगा, एल्स यू कैनॉट कनेक्ट विद मी। आप उससे पहले आप मेरे से मत कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ये वॉलंटियर एक्ट करिए अपनी सिटी के अंदर में, देन यू कैन कनेक्ट बैक विद मी। कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप, माई व्हाट्सएप इज बीन हैंडल बाय माई मैनेजर इटसेल्फ, सो आप डायरेक्टली लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर। एंड ये वॉलंटियर एक्ट करने के बाद कनेक्ट करना, बट ये एक्ट इसलिए मत करना क्योंकि आपको मेरे से कनेक्ट करना है, ये आप इसीलिए करना बिकॉज हमारा मिलके एक मिशन है कि हम 1 ईयर फैमिलीज को हेल्प करें, उन्हें फीड करें, एंड टू मेक दिस पर्टिकुलर मिशन अ सक्सेस डू दिस पर्टिकुलर एक्ट फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद यू एंड दैट्स इट, ठीक है। ऑन एवरेज इससे जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.19 लाख, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस के अंदर में मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी लेके आने वाला हूँ जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:50 का रहेगा, विच विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, ठीक है। सो होपफुली वेरी वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग दोज पर्टिकुलर ट्रेड्स विद यू, ठीक है। और अगर हम लास्ट ये जो हमारा पूरा सिनेरियो सिस्टम का चल रहा है इसके अंदर में अभी तक हम 1 ईयर पोर्टफोलियो को ग्रो कर चुके हैं बाय मोर देन 50-60%, और आने वाले 5 ईयर्स के अंदर में वी एक्सपेक्ट कि हम इसको ग्रो करेंगे फ्रॉम 1 ईयर टू अराउंड 35 ईयर। टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, एंड एक्ट करो, अच्छे काम करो अपने रीजन के अंदर में, एंड देन कनेक्ट बैक विद मी, आई विल हेल्प यू बैक इन योर ट्रेडिंग्स। टेक केयर, पीस आउट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर एंड पीस आउट।